अच्छा हाँ गई थी ज्योति की बेटी के शादी में। शादी नहीं हुए, बेटी बाथरूम से भाग गई। नहीं माँ तो बड़ी बोल रही थी अरेंज मैरिज माँ लफड़ेबाज है, बेटी भी लफड़ेबाज ही निकलेगी। मैंने पहले ही बोल दिया था। चिप्स का पैकेट लेकर कोई बाद में सोचा नहीं, किसी के दुख पे ऐसा मजे नहीं लेने चाहिए ना। हाँ उतने दिल की तो अच्छी हूँ मैं। अच्छा बाद में कॉल करती हूँ। धोया उड़ते उड़ते बच गए। जी आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कौन हो आप, ऐसे कैसे गाड़ी चला रहे हो? पर आपको लाइसेंस किसने दिया? ऐसी गाड़ी चलानी होती है देख के चलाया करो। वो भी गली में, इतना तेज कौन चलाता है गली में गाड़ी? इसको तो मैं अभी देखता हूँ। वही तो, अगर कुछ हो जाता मुझे तो। ऊपर से ये हेडलाइट लगा के रखिए, कम से कम वो लाइट तो बंद करो। एक्सक्यूज मी मिस्टर। लोया जी रुकिए। हाँ आजकल गाड़ी चुराते हैं, लड़की उड़ा देता है। कौन है? अरे कौन? खोल जल्दी, तेरी गाड़ी तोड़ दूंगा मैं। ये ऐसे लोग होते हैं ना, ये टुकर मवाली होते हैं। खोल, कांच खोलिए। आप आई एम सॉरी। देखिए आपको इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, वो भी गली में। मुझे माफ कीजिए, मैं हॉर्न देना भूल गया। मुझे एक बार हॉर्न देना चाहिए था। कोई बात नहीं, पिघल लो भाई। अरे जोया जी कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं, हमको इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए अगर आपको कुछ हो जाता तो। चाचा जी इट्स ओके। नहीं नहीं जोया जी इट्स नॉट ओके। आप बड़ी मासूम हो, ऐसा नालायक आपको फायदा उठाते। क्या आप उनको जरा समझा देंगी या मैं अपने तरीके से समझाऊं? चाचा जी को क्या करना है, शमशान में जाने की उम्र है, चले जाओ। चाचा जी प्लीज प्लीज बोल दिया, अभी मैं क्या ही बोलूं प्लीज के आगे। मैं कुछ नहीं बोल सकता, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा सोसाइटी में। हाथ तू चलो, हड्डी तो चली गई, अब कबाब खाने का मजा है। चिप्स भी तो नहीं। हाँ क्या हुआ? कांटा चुभ गया क्या? मेरी वजह से आपको कांटा चुभा? नहीं नहीं आपकी वजह से नहीं चुभा। अभी अभी चुभ गया। आप अंदर आइए, हम एक बार लाइट में देखते हैं, शायद आपका कांटा मैं निकाल दूं। नहीं नहीं आपको देर हो जाएगा, आप जाइए, आपको जहाँ जाना है। नहीं मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आइए। गाड़ी में जा रही है क्या? ज़ूम करके देखती हूँ सबसे। एक बार आप देखिए। आवाज तो नहीं आएगा पर मुझे क्या चल रहा है गाड़ी में। कोई नहीं ऐसे ज़ूम करके देखती। हाँ गया। ये रहा, दर्द हो रहा है, क्या मैं कोशिश करूं? क्या बात कर रहे होंगे, और गाड़ी में क्यों बैठ गए? जरा धीरे से, चिंता मत कीजिए, ज्यादा जोर से नहीं करूंगा। अगर आपको दर्द होता है तो मुझे बता देना। आप ही कोशिश कीजिए। ठीक है। वैसे सच में ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं आपकी वजह से नहीं हुआ। समझ में भी नहीं आ रहा, घूम करके देख रही हो फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा। वैसे आपसे एक बात पूछूं, आपके घर में कौन कौन होते हैं? मेरे घर में मैं और मेरी अम्मी। अच्छा आपके? मेरे घर में चाची है, चाचू है, उनकी बेटी है, मेरी अम्मी है। अब्बू कुछ साल पहले गुजर गए। सुन के बुरा लगा। आपने अपने अब्बू के बारे में कुछ नहीं बताया। आपका कांटा अभी तक निकला नहीं है। आप माफ कीजिए, मैंने आपके अब्बू के बारे में पूछा। वैसे आपको घर की याद नहीं आती? आती तो है पर। तो फिर आप क्यों नहीं जाती? मुझे वहां जाने की इच्छा नहीं होती। क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से आप वहां नहीं जाना चाहती? मुझे माफ कीजिए अगर मैंने कुछ ज्यादा ही पूछा हो तो, मैं बस जानना चाहता था। नहीं नहीं कोई बात नहीं,
वैसे आपके अब्बू, मैं मेरे अब्बू के बारे में बात नहीं करता, माफ कीजिए। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपसे ये बात नहीं पूछती। कोई बात नहीं, गलती आपकी नहीं है, मुझे पहले बता देना चाहिए था। क्या मैं एक बार फिर से कोशिश करूं? ठीक है, देखिए अगर आप ऐसे आंखें खोल के देखेंगी तो आपको डर लगेगा, इसलिए अच्छा ये होगा आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। वैसे तो बड़ी दिखाती है आप, ये देखो, और वो बाहर तो बड़ा सबके सामने हीरो बनता है, उसके आगे एकदम जीरो हो जाता है। आप आंखें खोल रही हो, गुलाबी आंखें। आप गाना क्यों गा रहे हो? मैं गाना इसलिए गा रहा हूँ ताकि आपका दिल बहल जाए और आपका ध्यान उस तरफ ना जाए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। क्या बात है, आपने गाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आपका काटा निकल गया। क्या, कब निकाल दिया आपने? मुझे तो दर्द भी नहीं हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। अरे निकल भाई, इतना देर क्या करता है कौन गाड़ी में? अभी सब रास्ते में ही चालू। चलिए मैं अभी आती हूँ। वैसे आपको जाना कहाँ है? अगर थोड़ा दूर जाना होगा तो मैं आपको लेके जाऊंगा और वापस ला के छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, आप जाइए, अगर सोसाइटी के लोगों ने हमें ऐसे देख लिया तो बिना बात का बतंगड़ बना देंगे। बात तो आपने बराबर की, आपके सोसाइटी वालों को बस टॉपिक चाहिए, उसके ऊपर वो पूरी किताब लिख देंगे। आती हूँ मैं। सुनिए, I'm sorry again. It's okay again. क्या खड़े में क्यों गई थी? मुझे लगा ये उसको लिफ्ट देगा, लिफ्ट भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं। अब बातें करने के लिए कौन जाता है गाड़ी में? अलग ही बात है इन दोनों की, बड़ा दिखाते हैं कुछ नहीं, जरूर कुछ पकड़ा है दोनों के बीच में। हाँ माँ। नहीं मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? हाँ अगर मैं बढ़ गई है ना। क्या बात कर रही हो, क्या फील हो रहा है आपको? बाबू भाई किसकी शादी होने वाली है सिटी में? कुछ कुछ नाम तो बताओ आपको, क्या किस किसका फील हो रहा है कुछ? अच्छा अच्छा, नहीं वैसे है एक दो कपल है सोसाइटी में, पर गारंटी नहीं है उतनी। क्या बात कर रही हो, इसी हफ्ते? अच्छा माँ, हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम। भाई पता नहीं माँ किसकी शादी होने की बात कर रही थी। हेलो शर्मिला, गुड मॉर्निंग। हेलो सुमित्रा, सुप्रभात। कौन, कैसे हो मेरे प्यारे बहनों? हम ठीक है, आप कैसे हो शशि बहन? मैं भी मजे माँ, मुझे क्या होना है। जोया जी, क्या हुआ था कल रात, किसके गाड़ी में घुस गए? क्या कुछ भी बोल रही हो सुमित्रा? ये अपने मुंह की वजह से जरूर एक दिन मार खाएगी, कभी नहीं सुधरेगा इसका मुंह। मैंने देखा ऊपर से। हाँ आपको और काम ही क्या है, बस लोगों के ऊपर नजर रखना, ताक झाक करना, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किसके साथ है, यही देखना। हाँ वो सब छोड़िए, पर कौन था गाड़ी में, कोई जान पहचान का था क्या? आपने तो देखा ना, मैं कार में जाके बैठी, तो आपने ये भी देखा होगा कि कार में कौन था, आप ही बता दीजिए अपने मुंह से, बड़े हैं। नहीं नहीं मुझे उतना नहीं दिखा, मुझे बस इतना दिखा आप गाड़ी में घुस गए। भाई भाई कौन था जोया जी कार में? जोया जी था कौन, कौन था वहाँ? कोई भी हो, मैं आप लोगों को जरूरी नहीं समझती बताना। जरूरी नहीं समझती, आपको बताना नहीं है। सुमित्रा जाने दो ना, शायद जोया जी अपनी निजी जिंदगी की बात किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। क्यों जोया जी, छोड़ो ना। हाँ सुमित्रा बहन जाने दो ना, हमको क्या करना है कोई किसी के बिगाड़ी में घुसे। अरे कहाँ सोसाइटी में रहते हैं हम, बता ना चाहिए छुपाने का क्या, कुछ नहीं छुपाना चाहिए। ये नहीं सुधरेगी ना इसका मुंह सुधरेगा। थोड़ा मैं ही बता देती हूँ, बॉडीगार्ड था, बॉडीगार्ड के गाड़ी में घुसी। बॉडीगार्ड था क्या बाबू? बॉडीगार्ड था क्या जोया जी?
आदाज में शर्माने का क्या, बोल देने का। वाह सुमित्रा जी, अभी तो आपने कहा था आपने नहीं देखा, फिर आपको कैसे पता कार के अंदर बॉडीगार्ड जी बैठे थे। अभी तू नहीं बताई तो मुझे बताना ही पड़ेगा ना। ऊपर ऊपर बोलती हूँ मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मैं भी देख रही थी तू कितना सच्ची है, दिख गई कितनी सच्ची है। पड़ोसन के गुण लगे तुझे बात छुपाने के, पड़ोसन भी उसकी वैसी ही है शर्वारी। दोनों लफड़े पास, आपको क्या प्रॉब्लम है हमसे? हमको क्या प्रॉब्लम होगी भाई, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें जो करना है वो करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सच बोलना चाहिए, जितना पूछा है उसका जवाब देना चाहिए, ऐसा घुमाना फिराना नहीं चाहिए। देखिए घुमा फिराने की आदत हमें नहीं आपको है, सोसाइटी में सबसे ज्यादा बवाल आप खड़े करती हो, सबसे ज्यादा बवालों की वजह आप होती हो, आपको लोगों के मजे चाहिए होते हैं, बस हम आपके जैसे नहीं है और ना ही हम कभी आपके जैसे बन पाएंगे और ना ही हमें बनना है, समझ गई आप सुमित्रा जी? और आइंदा से हमारी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश भी मत करना, अंजाम बुरा होगा। गुस्सा देख रहा, शर्वरी जैसी बात कर रही है, शर्वरी जैसी है। शर्वरी ने पहले लफड़ा किया, अब इसकी बारी, दोनों लफड़े बाज। और तुम वहां लफड़े बाज रसमान, चुप बैठो, स्काई ब्लू साड़ी, तेरा मुगलू लगा के बंद कर दूंगी मैं। तू बड़े मुंह वाली औरत दूसरों को बोलती है लपड़े भाई, अरे खुद के बेटे ने क्या किया? हाँ क्या किया रोहन उल्फ राहुल ने? को बड़े सिर वाली के साथ लपड़ा किया, उसका पुलिस पप्पा घर आया था, कितना बड़ा तमाशा हुआ, घर से निकाल दिया लड़के को, वो बता अब क्यों चुप है? समझा नहीं, तो ना निकल तो तू जा रहे जा रहे शशि बाबू भाई, जो यहाँ बॉडीगार्ड एक साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ रही है, साथ ही मेरी माँ ने भी कहा है आने वाले हफ्ते में किसी की शादी होने वाली है, कौन हो सकता है, कोई सोया बॉडीगार्ड तो नहीं? ओए फ्री का मैरिज ब्यूरो बंद कर अपना, क्यों तुझे इसका उसका उसका इसका करना है, खुद का दो बच्चा हो गया है ना, शांत बैठ। सास माँ मेरा छोड़िए, पर मेरी माँ को भी ऐसा लग रहा है कि हमारी सोसाइटी में ना अभी किसी की शादी होने वाली है, ऐसा माँ बोल रही थी। जैसी माँ वैसी बेटी, दोनों की दोनों कौन कैसे? क्या कहा आपने सास माँ? अभी माँ को बताती हूँ। नहीं नहीं तो मजाक कर रही थी, तेरी माँ बड़ी अच्छी है, तो भी बड़ी अच्छी है। माँ करनी नहीं, नहीं। हेलो माँ, गलती से लग गया।